नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बाबा बाल कृष्ण पेश हुए। मामला था फर्जी विज्ञापन देने का और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ और बाबा रामदेव की बोलती सुप्रीम कोर्ट के सामने बंद हो गई। देश की मीडिया में रामदेव की चर्चा होने लगी। ऐसे में आज हम आपको देश के टॉप बाबाओं की कहानी बता रहे हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि उद्योगपति भी पानी मांगने लगेंगे। दो दिन पहले पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ कंपनी के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्णन भी पेश हुए, लेकिन भ्रामक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को आप हल्के में मत लीजिए, आपके खेद जताने के तरीके को हम मानने से इनकार करते हैं। बस इसी बात से देश की मीडिया में रामदेव सुर्खियों में छा गए। बस इसी बात से मीडिया में बाबाओं पर लिखा और पढ़ा जाने लगा। तो हमने भी सोचा आज हम आपको देश के कुछ टॉप बाबाओं की कहानी बताते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम सदगुरु का आता है। ये भी इस समय काफी चर्चाओं में है क्योंकि इनकी ब्रेन सर्जरी हुई है और ये एलोपैथ की आलोचना करते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव। पिछले महीने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव काफी चर्चा में रहे और चर्चा का कारण था ब्रेन सर्जरी। 15 मार्च 2024 को उनके सिर में दर्द हुआ, फिर दर्द बढ़ता चला गया और अचानक उनको दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां पर उनकी ब्रेन सर्जरी की गई जो सफल रही। बस इसी बात से सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि एलोपैथ को चैलेंज करने वाले कैसे एलोपैथ से इलाज करवा रहे हैं। जानकारी देते चले कि सदगुरु जग्गी वासुदेव आध्यात्मिकता के योग कट्टर समर्थक माने जाते हैं और अपनी एक संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम ईशा फाउंडेशन है। जग्गी वासुदेव देश की प्रमुख आध्यात्मिक शख्सियत हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी कुल अनुमानित संपत्ति 2023 तक 18 करोड़ रुपए थी। दुनिया भर में उनके लाखों फॉलोवर हैं। सदगुरु का प्रभाव उनके तमाम योग केंद्रों, शैक्षणिक संस्था और इकोलॉजी से जुड़ी परियोजनाओं तक फैला हुआ है। सदगुरु शिक्षाओं के जरिए वो इनर इंजीनियरिंग और समग्र जीवन सिद्धांतों पर बोलते रहते हैं। पूरा नाम सदगुरु जग्गी वासुदेव। जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर कर्नाटक में हुआ। पिता का नाम बीबी वासुदेव मैसूर रेलवे अस्पताल में डॉक्टर थे। माता का नाम सुशीला वासुदेव एक गृहिणी थी। वासुदेव ने महाजन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ाई की, बाद में मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक किया। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में सदगुरु वासुदेव की कितनी धाक है और क्यों। अब हम जिस गुरु की बात करेंगे उनका नाम बाबा रामदेव है। रामदेव और विवाद दोनों अक्सर एक साथ चलते हैं क्योंकि बाबा हमेशा अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं। बाबा रामदेव। पतंजलि आयुर्वेद को ब्रांड बनाने के लिए बाबा रामदेव ने जितनी मेहनत की है उसको नकारा नहीं जा सकता और इसलिए कभी कभी सरकार तो कभी विपक्ष की आलोचना के वो शिकार हो ही जाते हैं। उसी कड़ी में 2 अप्रैल को भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इसके साथ ही साथ योग गुरु रामदेव और कंपनी के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्णन को जमकर फटकार भी लगी। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, आपको खेद जताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते। तभी से मीडिया में रामदेव को लेकर खूब पढ़ा और लिखा जा रहा है। जानकारों की माने तो रामदेव को योग को घर घर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। इसके साथ ही साथ योग को इंटरनेशनल बनाने में भी योग गुरु बाबा रामदेव का हाथ है। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद के नाम से एक कंपनी को स्थापित किया है और वेलनेस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव का श्रेय रामदेव को दिया जाता है। रामदेव हरियाणा में खेती किसानी करने वाले परिवार से आते हैं। 15 साल तक लंबा संघर्ष करने के बाद बाबा रामदेव सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे थे और हरिद्वार में योग सिखाने लगे। इस समय रामदेव कई शाखाओं के साथ पतंजलि योग पीठ और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का नेतृत्व करते हैं। उनकी कुल संपत्ति 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। बाबा रामदेव वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव। जन्म स्थान अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ हरियाणा। पिता का नाम रामनिवास यादव, माता का नाम गुलाबो देवी। शिक्षा 8वीं पास, खानपुर में वेद संस्कृत और योग की शिक्षा ली, लेकिन रामकृष्ण ने युवावस्था में ही संन्यास ले लिया और बाद में बाबा रामदेव नाम से वो लोकप्रिय हो गए और आज बाबा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बिना बड़ी डिग्री लिए ही बड़े बड़े डिग्रीधारी इनके सामने फेल हैं। अब जिस शख्स की हम बात करेंगे उनका नाम है श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर
श्री श्री रविशंकर आर्ट्स ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आध्यात्मिक ख्याति है। शांति ध्यान और मानवीय प्रयासों के लिए श्री श्री रविशंकर जाने जाते हैं। 151 देशों में उनके 30 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मीडिया की माने तो रविशंकर ने 6 साल की उम्र में वैदिक साहित्य का अध्ययन शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। फिर रविशंकर ने आर्ट्स ऑफ लिविंग की स्थापना की। रविशंकर ने तनाव मुक्त जीवन को बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं, फार्मेसी और आर्ट ऑफ लिविंग केंद्रों जैसी संपत्तियों को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे तीन बाबा अपने आप में खास बने हुए हैं और आज पूरी दुनिया में इनकी धाक है और इनकी बातें सुनी जाती हैं और इनकी दौलत से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितनी दौलत है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।